दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वाधान में आयोजित इलेक्शन सेल एंड इट्स स्कोप विषयक कार्यशाला के दूसरे दिन कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी GITAM यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रोफेसर कर्नल मुकुल सक्सेना ने विद्यार्थियों को चुनाव के दौरान जनमत निर्माण, चुनावी प्रबंधन और रणनीति का मूल मंत्र दिया। संवाद भवन के सभागार में प्रोफेसर सक्सेना ने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण देश की प्रगति की राह को प्रशस्त करता है। ऐसे में हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर मतदान करे। अगर हम मतदान नहीं करते हैं तो हम अपने से कमजोर व्यक्ति से देश का नेतृत्व कराना चाहते हैं। बदलते वक्त के साथ असरदार चुनावी रणनीति अब जीत का हार का फैसला कर रही है। ऐसे में हम तमाम राजनीतिक पार्टियां या नेता चुनावी प्रबंधन रणनीति पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सोशल मीडिया जनमत निर्माण में अहम भूमिका का निर्माण कर रहा है, इसलिए हर पार्टी ने अपनी ID विंग को मजबूत बनाना शुरू किया है। चुनावी प्रबंधन एक दिमागी कसरत है, आंकड़ों की बाजीगरी है। ऐसे में एक शैक्षिक संस्थान में स्थापित इलेक्शन सेल की अहमियत बढ़ जाती है, जो रिसर्च को केंद्र में रखकर राजनीतिक पार्टियों को अपनी सेवा दे सके। उन्होंने कहा कि दिमाग के अंदर डर, उम्मीद, गुस्सा, खुशी, असुरक्षा का भाव एक वोटर के दिमाग में चल रहा होता है, जबकि नेताओं के भाषण, स्लोगन, चुनावी घोषणा पत्र, विज्ञापन, सरीखे फैक्टर वोटर के दिमागों को प्रभावित करते हैं। इस अवसर पर सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यशाला के समन्वयक प्रोफेसर रूसी राम महानंदा ने कहा, अगर हम इसको समझते हैं, टाइम इन द लास्ट 20 मीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बता रहे हैं, तो से हमारे वोटिंग डिसीजंस चेंज होते हैं सोनिया टीम को और अपने इलेक्शन कैंपेनिंग उनके मुताबिक करते हैं। हमें अपना बबल जो है आपके लिए बनाना है, हमें अपना बबल आपके लिए बनाना है और हमें हर रोज सुबह आपके मूड के मुताबिक करना है। जैसे आपने अच्छी चीज पोस्ट की, मैंने बोला कोई मुकुल अच्छा है, जैसे आपने आपके पोस्ट के अंदर थोड़ा रिफ्लेक्शन है, हमने पांच छह वैल्यूज कर दिया लाइक, और कौन सी वैल्यू चुनूंगा, जो आपके व्हाट्सएप में वो नहीं आते इमोजीज, इमोजीज के 7 प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन हो गए या 10 हो गए, ठीक है, हैप्पीनेस, सैड, गुड, खुश। जैसे ही मैंने आपके डेटा में ये देखना शुरू कर दिया इमोजी वैल्यूज है, मेरे को लगा अब आप खुश हो, खट लोगों ने बहुत अच्छा कैंपेनर है, लोगों बहुत अच्छा लीडर है, ठीक है। ये होता है बिग डेटा को एनालाइज करने का सिस्टम। जब मैं आपके मूड पे कैमरे एनालिटिका ने यही किया था, ठीक है, आज भी आप देखो अगर आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को डायरेक्ट करोगे तो व्हाट्सएप मैसेज आप ही डायरेक्ट करेगा। आप देखोगे जो चीज आप पसंद है, अमेजन में शॉपिंग करते हैं ना, जो चीज आपने सेलेक्ट कर लिया अपने उसमें कार्ट में वो जाना शुरू हो जाता है। मेरा नाम प्रोफेसर रूसी राम महानंदा है, मैं राजनीति विज्ञान विभाग में अध्यक्ष हूँ और इस जो कार्यशाला चल रहा है उसका मैं कन्वेनर हूँ। ये हमारे जो टेक्निकल सत्र है जिसमें बच्चे को इस व्हाट्सएप के माध्यम से जो इलेक्शन स्टडी का प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जा रहा है, इसमें चाणक्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी से हैदराबाद के कर्नल
मुकुल सक्सेना जी आए हैं और उन्होंने इस संदर्भ में प्रैक्टिकल जो ज्ञान है बच्चों को दे रहे हैं। सर क्या मकसद है ये आगामी विधानसभा चुनाव भी है? ये विधानसभा चुनाव के पहले हम लोग एक इलेक्शन स्टडी सेल यहाँ खोलना चाहते हैं और उसके माध्यम से हमारे विद्यार्थी जाकर इसका अध्ययन करेंगे कि जनता कैसे प्रभावित होता है, किस मुद्दे के आधार पर अपना प्रतिनिधि चयन करता है और अंतिम मुहूर्त में जनता किसको वोट देना चाहता है, इसको हम सिद्धांतिक रूप से अध्ययन करना चाहते हैं।